नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं हल्ला बोल। हिंदुस्तान की संस्कृति आखिर क्या है? हिंदुस्तान की संस्कृति को आखिर खतरा किससे हो सकता है, किससे है? ये पैमाने बदलते हैं, हर 5 साल पर बदलते हैं। जब जब सत्ता बदलती है तब तो जरूर बदलते हैं। आजकल जो कुछ चल रहा है, जो मसला हम उठाने जा रहे हैं, वो गुजरात के स्कूली पाठ्य पुस्तकों से शुरुआत उसकी हुई है। गुजरात में ऐसी 9 किताबें पढ़ाई जा रही हैं जिसमें हर छात्र को गायत्री मंत्र के जाप से लेकर हवन और संघ के अखंड भारत का नक्शा पढ़ाया जा रहा है। यही है आज की बहस का बड़ा मुद्दा। क्या बीजेपी सरकार संस्कृति के नाम पर शिक्षा में संघ की सोच लाद रही है? जन्मदिन पर मोमबत्ती मत बुझाओ, जन्मदिन पर केक मत काटो। भारत के नक्शे में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, लंका और म्यांमार भी। पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर भारत में राष्ट्रीय अवकाश हो। 21वीं सदी के भारत में ये वो हैरान करने वाला ब्रह्म ज्ञान है जो गुजरात सरकार की 9 किताबों में दर्ज है और जिसे गुजरात के करीब 42,000 सरकारी स्कूलों में पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है और कोशिश इस बात की हो रही है कि इसे पूरे देश में भी लागू किया जाए। इसीलिए इन किताबों के लेखक दीनानाथ बत्रा ने केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी को चिट्ठी लिखी है और उनके सामने वो तर्क रखे हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। बच्चे का जब जन्मदिन मनाते हैं तो दिया बुझा दो, गुल कर दो दिया और अंधेरा कर दो। वास्तव में शिक्षा तो ये कहती है तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार नहीं प्रकाश की ओर जाना चाहिए। हम इसलिए दिया जलाते हैं। काटना चाहिए या जोड़ना चाहिए? आप देखो ऐसे शब्दों का आप प्रयोग करते हो, वही तस्वीरें बनते हैं। काटो, बुझाओ भाई, प्रकाशित करो और जोड़ो। लेकिन जब तक काटेंगे नहीं तो बांटेंगे कैसे? इसलिए मैं कहता हूँ ना कि भाई आप केला दे दो तो वो काटा, खाएंगे वो तो। मिठाई लड्डू दे दिया तो मुँह वो देंगे और मुँह से काटेंगे, खाएंगे स्वाद से। वे सब जहाँ हमारी सांस्कृतिक पताका फहराती थी और वो देश का हमारा अंग था, उसको हम अखंड भारत कहते हैं, उसको हम सांस्कृतिक भारत कहते हैं। और वो हमारे सामने यदि रहता है आँखों के तो गौरव का भाव जागृत होता है कि हम कितने फैले हुए थे। हम तो चाहते हैं ये शब्द बार बार आप बोलेंगे क्योंकि हर शब्द की तस्वीर होती है। और इस प्रकार से भगवा कर्ण जब कहेंगे तो उस शब्द की तस्वीर बन जाएगी, भगवा रंग आ जाएगा। और इस प्रकार से उसमें जो छुपे हुए भाव हैं अर्थात त्याग का है और सेवा का है, वो भी उभर करके आएंगे। सुना आपने, भगवा कर्ण के ये संस्कार अब दीनानाथ पूरे देश के स्कूलों में लागू कराना चाहते हैं। आपको बता दें कि दीनानाथ पेशे से करीब 30 साल तक शिक्षक रहे हैं। फिलहाल वो शिक्षा बचाव आंदोलन समिति के संयोजक हैं और आरएसएस के विद्या भारती से जुड़े हैं। दीनानाथ वाजपेयी सरकार में एनसीईआरटी में भी रह चुके हैं और कहते हैं कि एनसीईआरटी की किताबें गलत तथ्यों का भंडार हैं। जो भी पुस्तकें पढ़ाई जा रही हैं वो बच्चों को दिशाविहीन, लक्ष्यविहीन बनाते हैं, उनमें जीवन मूल्य नहीं है। और साथ में जो भी तथ्य हैं उनको तोड़ और मरोड़ कर दिखाया गया है। जाहिर है हंगामा तो होना ही था। शिक्षाविद इसे बीजेपी सरकार का भगवा एजेंडा बता रहे हैं और कांग्रेस इसे बीजेपी का देश बांटने वाला काम बता रही है। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक बनाती है गुजरात में तो उनको भी वो बदल सकते हैं और इसमें ऐसी चीजें डालेंगे जो आरएसएस की विचारधारा के साथ अनुकूल है। भाजपा चाहती है कि हम जो बोले वही लागू करें। वो जो सर्वमुखत्या चाहिए, वो नागपुर एजेंडा जो लागू करने का मुहिम चलाने का चालू किया है सत्ता पाने के बाद, इसे सबसे पहले यही नागपुर एजेंडा लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ मोदी दिल्ली में अपनी सरकार के 2 महीने पूरे होने पर वेबसाइट लॉन्च कर आधुनिकता की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के शासन में शिक्षा का भगवाकरण भी शुरू हो गया है। लिहाजा सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ये कैसा दोहरा मापदंड है? क्या संघ से पूछकर अपनी हर नीतिगत फैसले लेने वाली बीजेपी अब केंद्र में शिक्षा के लिए भी संघ की शरण लेगी? अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ दिल्ली से बालकृष्ण आज तक।
सवाल दरअसल दो छिपे हैं इसमें। क्या ये वाकई शिक्षा का भगवाकरण है या फिर परंपरा की कुछ ऐसी चीजें हैं जो शिक्षा के साथ साथ सिखाना भूल गए थे, उन्हें वापस सिखाने की कोशिश है? इस पर चर्चा हमारी होगी। हमारे साथ स्टूडियो में प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी जुड़े हैं जो कि जेएनयू में इतिहास विभाग से जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे साथ दीनानाथ बत्रा जी जुड़े हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि पूरा मुद्दा, ये पूरी चर्चा, ये पूरी जो बहस हम कर रहे हैं उसके पीछे दीनानाथ जी हैं, लेखक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे हम जानेंगे। साथ में शाइना एनसी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ हैं और अमीबेन याग्निक गुजरात से हमारे साथ जुड़ रही है कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। दीनानाथ जी, आपको आवाज़ आ रही है हमारी, तो आपसे मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी कौन से ऐसे प्रमुख बिंदु हैं जो आपको लगते हैं कि आज की शिक्षा में नहीं है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए कि शिक्षा में ये बदलाव हो, इन चीजों को शामिल किया जाए शिक्षा में, किताबों में? ऐसा है कि जो हमारा पाठ्यक्रम होता है उसकी जो पुस्तकें होती हैं वे पुस्तकें ऐसी होनी चाहिए जो कि बच्चों को दिशा दे। शिक्षा का कार्य जीने की सीख देना और जीवन कैसे जीना चाहिए उसके संबंध में बताना, तो ये पुस्तकों में दोनों चीज़ें होनी चाहिए कि जीवन हमारा कैसे चले, अर्थात पुस्तकों में शारीरिक शिक्षा, जीवन मूल्यों की शिक्षा, योग, अच्छी आदतें, शिष्टाचार, ये समाज सेवा और सामाजिक संवेदना, आध्यात्मिकता, ये सब बातें हमारी पाठ्य पुस्तकों के अंदर होनी चाहिए और साथ में वे प्रेरणादायक प्रसंग होने चाहिए कि हमारे बच्चों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने, ज्ञानियों ने और वैज्ञानिकों ने ये काम किए और वे यदि ये काम कर सके तो हम भी कर सकते हैं। इस प्रकार से उनमें ये एक विश्वास का भाव जागृत करना इस पुस्तक के माध्यम से होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो आप कह रहे हैं दीनानाथ जी, ये बहुत सही है, ये ज़रूर पुस्तकों में शामिल होनी चाहिए, लेकिन आध्यात्म क्या धर्म से जोड़कर आप आध्यात्म को देख रहे हैं? अगर मंत्रोच्चार वगैरह शामिल किए जाएँ पुस्तकों में तो हमारी स्कूलों में तो सभी धर्म के बच्चे पढ़ते हैं। ऐसा है कि आपने धर्म की बात की तो ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय हुआ था अरुणा राय एंड अदर्स केस, बड़ा प्रसिद्ध है, और उस केस में जो धर्म अधिकारी जी थे, एक बहुत प्रमुख न्यायाधीश थे, उन्होंने पुस्तक भी लिखी है। उन्होंने कहा है कि धर्म में और मत में और मज़हब में बहुत अंतर है और धर्म शब्द एक ऐसा शब्द है भारत का जिसका संसार में कोई भी समान अर्थ। चलिए मैं सवाल बदलती हूँ और पूछती हूँ कि क्या मज़हब से जुड़ी हुई चीजें आप चाहते हैं इसमें रहें? भारत में ही है। हाँ जी, मैं ये बता रहा हूँ कि मज़हब और धर्म में अंतर है। मज़हब का मतलब है पूजा पद्धति का तरीका, कोई भी पूजा पद्धति हो सकती है, इस्लाम की, ईसाई की, बौद्ध की, जो भी हो, कोई मंदिर में जाए, कोई मस्जिद में जाए, कोई गिरजाघर में जाए, ये सब पूजा पद्धतियाँ हैं जी। लेकिन जीवन जीने का जो ढंग है वो धर्म है और जीवन जीने का ढंग ये बताया गया कि ऐसा जियो जैसे दूसरे का हित हो। और धर्म की परिभाषा बहुत सीधी और सरल हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है और कहा है पर हित सरस धर्म नहीं को, अर्थात दूसरे का हित जिसमें होता है उससे बढ़कर के कोई धर्म नहीं। जब मैं धर्म की बात करता हूँ तो उसका अर्थ यह है कि दूसरे के कल्याण के लिए सारी बातें, वो धर्म। बत्रा जी, हम सबकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं एक-एक इस पर। प्रोफेसर मुखर्जी, क्या लग रहा है आपको ये सारी बातें सुनकर, इन सारी चीज़ों को क्यों ना पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए? देखिए, पाठ्यक्रम में सब्जेक्ट के बारे में होना चाहिए। अगर वो हिस्ट्री है तो हिस्ट्री होनी चाहिए, उसमें धर्म उसमें कहाँ से आता है तो मुझे समझ नहीं आई। वैल्यूज़ अच्छे वैल्यूज़ होने चाहिए, ये तो कोई डिस्प्यूट करता ही नहीं है, क्यों ना हो। परंतु दीनानाथ बत्रा जी का ये पहला इंटरवेंशन नहीं है, ये पहले भी कर चुके हैं। जब पिछली बार बीजेपी की सरकार थी 2001 में, उन्होंने NCERT की किताबों को बदलने की कोशिश करी, उनसे पैसेजेस डिलीट कराए, ये कह के कि हमारी एंशंट इंडिया की ग्लोरी को खराब कहती हैं। कास्ट सिस्टम के बारे में क्यों बात करते हो? एंशंट इंडिया में कोई कास्ट सिस्टम नहीं था, ये तो मुसलमानों ने आके कर दी। इस किस्म की बातें जो कि अभी भी ICHR के जो नए चेयरपर्सन लगाए गए हैं RSS के, उन्होंने भी ये कहा है कि हिंदुस्तान में तो कास्ट सिस्टम तो बड़ी अच्छी चीज़ थी, ये मुसलमानों ने आके खराब कर दी। ना, इस किस्म की चीज़ें हिस्ट्री में नहीं आनी चाहिए। बच्चों को आप गलत चीज़ें सिखाएंगे, खास करके गुजरात के कॉन्टेक्स्ट में। गुजरात के, हमने इस पे किताब भी लिखी हुई है, और जब गुजरात में जब ये सवाल उठा कि भई ये महात्मा गांधी के देश में गोधरा जैसे इंसिडेंट कैसे हो गए,
इस तरह की वायलेंस वगैरह कैसे होगी। तो ये काफ़ी एक्टिविस्ट और सोशल साइंटिस्ट ने ये कहा कि गुजरात के जो स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कई सालों से, दसियों साल से, आरएसएस की स्कूलों में, विद्या भारती जिसके दीनानाथ बत्रा जी लीडर हैं उनके स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाता है। मैं आपको कोट करके बता सकता हूँ कि भी मुसलमान कितने ख़राब हैं, उनके क्या करते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ खून की नदियाँ बहती हैं और वो दूसरों के धर्म के जो मंदिर को डिस्ट्रॉय करते हैं, माँ बेटियों को अपमान करते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अगर आप एक छोटे छोटे नरम टेंडर माइंड्स को, छोटे बच्चों को अगर आप इस किस्म की, प्रोफेसर मुखर्जी, इस बात को भी हमें ध्यान में रखना होगा कि 2002 पहला वाकया नहीं था, महात्मा गांधी के देश में दंगे बंटवारे के दौरान ही हो गए थे और उसके बाद गुजरात में भी 60 के दशक में दंगे हो चुके हैं। लेकिन शाइना जी, जो बातें कह रहे हैं बत्रा जी, जो सुझाव अपनी तरफ से दे रहे हैं, सरकार उन पर अमल करने में कितनी संजीदा है? क्या हम समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में हमें बदली हुई टेक्स्ट बुक्स नजर आएंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि दीनानाथ बत्रा जैसे लोग को सम्मान देना चाहिए इस देश में, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जो उन्होंने किया वो सही में जो भाव और प्रभाव और उनका जो प्रचार रहा है वो हर एक वर्ग तक पहुँचता है। जहाँ तक सवाल ये है, ये बार बार ये साजिश करना कि ये सैफ्रनाइज कर रहे हैं, क्या सैफ्रनाइज कर रहे हैं? वो दे रहे हैं एक्स्ट्रा करिकुलर में पुस्तक जहाँ भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता और भारत के प्रति लोगों को जो गलतफहमियां हैं वो स्पष्ट हो और जो बच्चे पढ़ते हैं तो उनको इन अपने इतिहास के बारे में पता चले। ये बार बार कहना कि उनका आरएसएस से कोई ताल्लुक है, आरएसएस से ताल्लुक रहने का गर्व की बात होती है, कहीं शर्म की बात नहीं होती है। और जो आप ये कहना चाहते हैं कि हम हमारे व्यूज इन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, जो अच्छे व्यूज हैं और इन्फ्लिक्ट कर रहे हैं तो स्वागत है उसका, क्योंकि उसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है। जो आप गलत विदेश के से जितने भी गलत चीजों का प्रचार करते हैं क्या वो सही है? या ये कहना कि पुस्तक के माध्यम से आपके इतिहास के बारे में जान लीजिए, पुस्तक के माध्यम से आपके प्रगति के बारे में सोच लीजिए कि कैसे दोनों का तालमेल हो सकता है। जी, और हमारे साथ सदी में जी, थोड़ी देर के लिए आपको रोक रही हूँ क्योंकि गुजरात के शिक्षा मंत्री भूपेंद्र चुडासमा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। क्या इन चीजों को टेक्स्ट बुक्स में शामिल किया गया है या अभी विचार चल रहा है? नहीं, किया भी नहीं गया है और विचार भी नहीं है। तो ये सारी चीजें जो कही जा रही है कि 9 ऐसी किताबें हैं जिनमें बदलाव किए गए हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप गलत दिखा रहे हैं। मैं आपके जो अभी दिखा रहे हैं टीवी के सामने बैठा हूँ, इट इज ए रेफरेंस बुक ओनली, इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ सिलेबस। तो ये क्यों नहीं शामिल किया है आप लोगों ने? क्या आपको लग रहा है कि ये सारी चीजें, ये सुझाव गलत थे? नहीं बहन जी, देखिए ये अच्छी चीजें जो है हमारे देश में वो बच्चों को और टीचर्स को दिखानी चाहिए। इसी वजह से ओनली टीस एंड टीस जो है एक्सेप्टेड टीस, और हम रेफरेंस बुक के जरिए ही ये लिया है। रेफरेंस बुक्स के जरिए ये सारी चीजें हैं जो एग्जिस्टिंग स्कूल बुक्स हैं। आप गलत मत बताइए, रेफरेंस बुक ही है, हमने कभी सिलेबस का हिस्सा नहीं लिया है। ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है बत्रा जी, ये बातें आप सुन रहे हैं, इसे सिलेबस का हिस्सा नहीं बनाया गया। आवाज तो कम आई है, लेकिन आवाज तो कम आई है मुझे, लेकिन जो कुछ मुझे बात ध्यान में आई है वो ये है कि ये बताया गया है मेरे बारे में कि भाई हम मुसलमानों के खिलाफ पढ़ाते हैं। मैं कुछ आपके सामने तथ्य रखता हूं और जिन्होंने ये बात कही वो ये है, बता रहे बत्रा जी, गुजरात के शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि ये जो सारे सुझाव को शामिल करने की बात कही जा रही है टेक्स्ट बुक्स में, ऐसा गुजरात में कोई बदलाव नहीं किया गया है, किताबें जस की तस हैं। मैं भी उन्हीं की बात को ही दोहरा रहा हूं, वो जो किताबें हैं वो तो वही हैं, उनकी परीक्षा होगी, सब कुछ होगा, वो सिलेबस का एक भाग है। ये जो पुस्तकें हैं ये रेफरेंस बुक हैं, सप्लीमेंट्री रीडिंग बुक जैसे लाइब्रेरी में होती है वैसी ये किताबें हैं।
और ये मैं एक बात और बता दूं कि शिक्षा केवल जो स्कूली किताबें हैं उससे शिक्षा प्राप्त नहीं होती, बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, वे बाहर की दुनिया से भी सीखते हैं और लाइब्रेरी बुक से भी सीखते हैं, रेफरेंस बुक से भी सीखते हैं और एक्सपेरिमेंटेशन से भी सीखते हैं, एक्सपीरियंसेस से भी सीखते हैं। शिक्षा को सीखने का एक व्यापक क्षेत्र है और इसलिए स्कूल के क्लासरूम में जो किताबें पढ़ाई जा रही हैं इनका उन किताबों के साथ कोई संबंध नहीं, लेकिन शिक्षा से संबंधित है, बालक के विकास के साथ संबंधित है, अच्छी नीति की बातें हैं, अच्छी कथाएं हैं, कोई भी पढ़े। इन किताबों पर आधारित कोई परीक्षा नहीं देनी होगी इन छात्रों को, लेकिन हाँ एक नहीं कोई परीक्षा नहीं, जी, कोई हम समझ सकते हैं परीक्षा नहीं है, ये केवल परीक्षा नहीं देनी होगी जी, ये वैल्यू एजुकेशन के तौर पर आपने इसे शामिल किया है कि उन्हें पता चले कि इसका क्या है। एक और बात आप ध्यान रखिए, हम उसका चलिए हम बस एक ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, ब्रेक के बाद तब तक जो चीज हमारे सामने स्पष्ट हुई है वो ये कि ये किताबें अभी शिक्षा मंत्री ने अभी अभी हमें बताया है कि पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं बताया गया है उन किताबों को जिनके भगवाकरण की बातें की जा रही हैं, बल्कि मूल्यों को सिखाने के लिए उन किताबों को शामिल किया गया है। अब इससे बदलाव कितना होता है ये समझ से परे है। अमीबेन याग्निक जी, बताया जा रहा है कि कई ऐसी किताबें हैं जो शामिल की गए, अब हम पाठ्यक्रम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि बच्चों के सामने कई ऐसी किताबें रखी गई हैं जो उन्हें पढ़ाई जाती हैं, अब चाहे आप उसकी परीक्षा लें चाहे नहीं लें, लेकिन ये विचार उनके सामने किताबों की शक्ल में जरूर है। आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, ये जो गलत इंटरप्रिटेशन सब रखा जाता है, जैसे एक ही एग्जाम्पल मैं लूंगी कि बर्थडे केक पे कैंडल जलाया ना जाए, मोमबत्ती नहीं जलानी चाहिए, ये सालों साल से ये सारे आरएसएस बीजेपी वाले ने कहीं ना कहीं बर्थडे बनाया होगा, उनको सबके बच्चों ने भी बनाया होगा, हमारे वहां बच्चे इतने खुश होते हैं, इसमें क्या धर्म की बात लाने की जरूरत है। धर्म तो सिर्फ एक ही बात सिखाता है कि इंसान बनो, दूसरे धर्म के बारे में आप इतना इंटरप्रिटेशन मत करो। तो ये नौ किताबें अभी लाने का कहां वक्त है, और पहले भी एनडीए के समय में कहां वक्त था। आपको इतना भी चेंज करना है, आपके विचार देने हैं, तो आप ये जो स्कूल बोर्ड होते हैं उन पे उनके आगे आप अपना विचार रखो, आप इंटरेक्शन लो, जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है, हिस्टोरियंस है, ज्योग्राफी के सब्जेक्ट्स के, साइंस के साइंटिस्ट है, उनके विचार लो और जो सही बात है वही रखो। आप ये सब बातें रख के आप क्या साबित करना चाहते हैं, तो आप तो ये गलत बातें बता रहे हैं बच्चों को। और ये सप्लीमेंट्री रीडिंग है या रेफरेंस बुक है, पर बुक्स तो बुक्स है, कोई ना कोई बच्चा तो कभी रेफरेंस बुक रखेगा साथ में, तो ये खोलने की क्या जरूरत है, क्या साबित करना चाहते हैं आप। तो अगर आप एजुकेशन को इस तरह करेंगे तो आप बच्चों को क्या सिखाएंगे। आप हिस्ट्री, हिस्ट्री का मतलब क्या है कि जो जैसा है वैसा ही उस समय का हम हिस्ट्री बुक में लिखते हैं, उसको कहां डिस्टर्ब करने की बात है कि इसका मतलब ये निकालो, इसका मतलब ये निकालो। तो ये पूरा एक डिजाइन के तरह करना कर रहे हैं और गलत बातें बता रहे हैं। क्या एक डिजाइन है प्रोफेसर मुखर्जी? देखिए, क्या एक साजिश है कि आप शुरुआत में इंट्रोड्यूस कर दें और उसके बाद तो आपको मालूम है आपके साथ पूरी फौज। बिल्कुल, इसमें तो मुझे कोई दो राय नहीं है कि ये तो है ही है। वो अपनी विचारधारा जो कि बहुत संकीर्ण है, उस विचारधारा को बच्चों के दिमाग में डालना चाहते हैं। पर मैं खुद प्रोफेसर हूँ, हमारा विश्वास है कि बच्चों के सामने आप जो बेस्ट साइंटिफिक वर्क है दुनिया भर में वो उनके सामने प्लेस करिए। और भारत के हिस्ट्री में ये रहा है, 1960s से नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के एडवाइस पे एनसीईआरटी को कहा गया कि आप सबसे बढ़िया सोशियोलॉजिस्ट, सबसे बड़ा हिस्टोरियन, सबसे प्रसिद्ध जो है दुनिया भर के, उनसे कहिए कि बच्चों की स्कूल की टेक्स्ट बुक लिखे जाएं। उसी के अंडर ऐसे लोग जैसे कि प्रोफेसर रोमिला थापर, बिपिन चंद्र, सतीश चंद्र, इन्होंने किताबें लिखी, साइंटिफिक किताबें, उनको दुनिया भर में सब मानते हैं और इंडियन एकेडमीज का दुनिया भर में बहुत एक दबदबा है। उसके बदले अब आप एक पॉलिटिकल पार्टी, और खास करके वो भी आरएसएस, जो कि ये विश्वास, आरएसएस के सरसंचालक कहते हैं कि गर्व होना चाहिए, जैसे इनके बंदे ने अभी कहा कि किस चीज पे गर्व, वो कहते हैं कि एंशियंट इंडिया में हमारे हवाई जहाज उड़ते थे। ये मैं उनको कोट करके बताता हूँ सरसंचालक जी क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं कि राजा भोज जो थे उनको पता था कि प्लेन किस हाइट में कैसे चलना चाहिए एवं और इससे हमें गर्व होना चाहिए। जो इसको मना करते हैं वो एंटी इंडियन है, वो मकौले के बच्चे हैं, यूरो इंडियंस हैं। ये दीनानाथ बत्रा जी ने भी एक किताब लिखी है कि
इंडियन एंड द पीपल हु आर अपोजिंग इंडियनाइजेशन कौन मार्क्स मकौले एंड मदरसा जी ये जो है ये मुसलमान वेस्टर्न पीपल एंड मार्क्सिस्ट ही सब इसको बर्बाद कर रहे हैं ऐसे थोड़ी होता है आप एजुकेशन में खास करके छोटे बच्चों के एजुकेशन में आइडिया इज कि आप कंसेंसस व्यू लाइए वहां पे आप ऐसे डिसरप्टिव और एक पॉलिटिकल और वो भी एक नैरो पॉलिटिकल व्यू रखना चलिए देखते हैं कि इस पर शाइना एनसी की क्या राय होगी लेकिन एक ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा क्योंकि वाकई क्या ये राजनीतिकरण है पाठ्यक्रम का